नमस्कार, मैं हूं केशव तिवारी और अलग अंदाज में रहती हैं खबरें हमारी। मध्य प्रदेश के अंदर लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन अत्यंत घटिया रहा। मध्य प्रदेश के अंदर लोकसभा की 29 सीट है, जिसमें 29 की 29 सीट भारतीय जनता पार्टी ने जीत लिया। पिछले लोकसभा चुनाव में भाजपा ने 28 सीट जीती थी, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी ने छिंदवाड़ा सीट भी कांग्रेस से छीन ली। छिंदवाड़ा सीट से कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ सांसद थे, इस बार वो चुनाव नहीं जीत पाए। इस बार भारतीय जनता पार्टी के बंटी साहू ने उन्हें 1,13,000 वोटों से पराजित कर दिया। विधानसभा चुनाव में जब कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला तो कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने कमलनाथ को प्रदेश अध्यक्ष पद से हटा दिया। इस बात की उम्मीद कमलनाथ को नहीं, और शीर्ष नेतृत्व ने जीतू पटवारी को मध्य प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया। उम्मीद की जा रही थी कि जीतू पटवारी मध्य प्रदेश के अंदर फायरब्रांड नेता है, कांग्रेस को पुनर्जीवन प्रदान करेंगे, लेकिन उनके कार्यकाल में कांग्रेस की और बुरी दुर्गति हो गई। कांग्रेस का इतिहास जब भी लिखा जाएगा तो इतिहास में लोकसभा चुनाव में सबसे खराब प्रदर्शन जीतू पटवारी के कार्यकाल में ही लिखा जाएगा। जीतू पटवारी के कार्यकाल में कांग्रेस 29 की 29 सीट हार गई। इसके अलावा जीतू पटवारी ने इंदौर से जिस प्रत्याशी के लिए वकालत की थी, अक्षय बम के लिए, उस प्रत्याशी ने चुनाव के पूर्व ही पलटी मार दिया और भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। प्रदेश अध्यक्ष के लिए इससे बुरी स्थिति और क्या हो सकती थी, लेकिन कांग्रेस ने इसके बाद भी जीतू पटवारी पर अभी तक भरोसा बनाए रखा है। हालांकि लोकसभा चुनाव परिणाम आने के बाद सबसे पहला हमला प्रतिपक्ष के नेता रह चुके पूर्व मुख्यमंत्री के पुत्र अजय सिंह राहुल ने जीतू पटवारी के ऊपर बोला और उन्होंने कहा कि इस हार की गहन समीक्षा की जानी चाहिए। इतना ही नहीं, अजय सिंह राहुल ने तो दिग्विजय सिंह और कमलनाथ पर भी हमला बोला, लेकिन फिलहाल अभी कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व खुशफहमी में है, क्योंकि बरसों बाद कांग्रेस ने 99 का आंकड़ा लोकसभा में छुआ है। इन हमलों के बीच कांग्रेस का सिर्फ इन हमलों के बीच कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व जीतू पटवारी को अभयदान देता है या आने वाले कुछ दिनों में उनकी बलि ले लेता है, यह सब कुछ निर्भर करता है कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व पर। लेकिन यदि कांग्रेस को भविष्य की कांग्रेस बनना है या बनाना है तो निश्चित तौर पर किसी युवा चेहरे पर ही कांग्रेस को दांव लगाना पड़ेगा। कांग्रेस ने गलत नाम पर दांव नहीं लगाया था, लेकिन जंग लगी हुई कांग्रेस में कोई भी व्यक्ति आकर 24 घंटे या 48 घंटे में ऊर्जा का संचार तो नहीं कर सकता, लेकिन जीतू पटवारी को अगर कांग्रेस पार्टी वक्त देती है तो उम्मीद की जानी चाहिए कि जीतू पटवारी कांग्रेस में ऊर्जा का संचार कर सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि उन्हें फ्री हैंड छोड़ा जाए, क्योंकि कांग्रेस के पास अब बहुत ज़्यादा विकल्प मध्य प्रदेश में नहीं है। यदि पुराने चेहरों को छोड़ दिया जाए तो नए चेहरों में कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने सही चयन किया था। यह अलग बात है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की हालत बहुत ज़्यादा पतली है और भारतीय जनता पार्टी जिस आक्रामक तरीके से राजनीति के मैदान में बल्लेबाजी करती है उसके सामने किसी भी कांग्रेस अध्यक्ष का इतनी आसानी से टिक पाना, संभल पाना, जीत पाना फिलहाल मुश्किल है। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी में नए व्यक्तियों को मौका दिया जाएगा, ऐसा जीतू पटवारी ने कहा है। उम्मीद की जा रही है कि कांग्रेस के कई जिला अध्यक्ष भी बदले जा सकते हैं। ऐसे में जीतू पटवारी क्या अजय सिंह राहुल समर्थकों को भी संगठन से बाहर का रास्ता दिखा देंगे या अजय सिंह राहुल के हमले से डर कर उन व्यक्तियों को अभयदान दे देंगे जो अजय सिंह राहुल के समर्थक हैं। अब देखना यह है कि जीतू पटवारी करते क्या है। आपको हमारी खबरें कैसी लगती है कमेंट बॉक्स में आके कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और यदि आप विशाल खबर चैनल को देख रहे हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो विशाल खबर चैनल को सब्सक्राइब कर हमें अपना आशीर्वाद जरूर प्रदान करें।